हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अपमान। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अंकित और पूजा की नई फैक्ट्री का उद्घाटन था। देखते ही देखते एक साल में ही इतनी मेहनत करके दोनों पति पत्नी ने अपनी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली। सभी रिश्तेदार आए थे और अंकित की खूब तारीफ किए जा रहे थे। भाई और भाभी भी अंकित के आगे पीछे ही घूम रहे थे। अंकित की माँ सुधा जी अपने बेटे की तारीफ सबके सामने किए जा रही थी और बार बार उसकी बलाइयाँ लिए जा रही थी और सब लोग अंकित को बधाइयाँ दिए जा रहे थे। ये अलग बात थी कि इस प्रगति में बहू का भी पूरा योगदान था, लेकिन बहू को भला कौन पूछता है। इतने में पंडित जी ने अंकित को आवाज देकर कहा, अरे यजमान, पूजा का समय हो गया है, आकर पूजा पूर्ण करवाएं। वैसे भी पूजा मुहूर्त पर ही हो जाए तो ही अच्छा होता है। उनकी बात सुनकर अंकित ने कहा, बस पंडित जी, 5 मिनट और पूजा अभी आती ही होगी। अंकित की बात सुनकर सुधा जी ने कहा, अरे बेटा, अगर पूजा को आने में देर हो तो तेरे भैया भाभी पूजा में बैठ जाएंगे, पर पूजा तो मुहूर्त पर ही होनी चाहिए। पता नहीं पूजा कहाँ रह गई है, कोई काम समय पर नहीं करती। सुधा जी की बात सुनकर अंकित मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं माँ, कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, पूजा में तो पूजा ही मेरे साथ बैठेगी। उसकी बात सुनकर सुधा जी ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर रिश्तेदारों में जाकर बैठ गईं और अंकित यथावत पूजा का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसे वो दिन याद आ गया जब पूजा उसकी पत्नी बनकर उसकी जिंदगी में आई थी। अंकित ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर रहा था। इसीलिए स्कूल के बाद तो उसने पढ़ाई ही छोड़ दी और छोटी मोटी नौकरी करने लगा। जबकि अंकित का भाई अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था। इस कारण से अंकित की माँ सुधा जी का भी रुझान अपने बेटे की तरफ ही था। जाहिर सी बात है, जिसके पति का घर में बोलबाला होता है, उसकी पत्नी का सम्मान सबसे ज्यादा होता है। यही हाल घर की बहुओं का था। पूनम घर में रानी की तरह रहती थी, जबकि पूजा घर में सबके लिए एक नौकरानी भर थी। पूजा दिन भर घर का काम करती थी, पर फिर भी उसके हिस्से सिर्फ ताने आते थे। अंकित जो भी कमाता था वह सब सुधा जी के हाथ में लाकर रख देता था। पूजा को अगर कुछ चाहिए होता था तो सुधा जी से मांगना पड़ता था, पर सुधा जी से पहले तो पूनम ताने सुनाने लग जाती थी। यहाँ तक कि पूनम और सुधा जी पूजा की थाली पर नजर जरूर रखती थी कि वो अपनी थाली में क्या क्या लेकर बैठी है, और फिर उसे खाते देख कर जरूर बोलती थी, हाँ हाँ मुफ्त का माल है, उड़ा लो। बेचारा जेठ तो गोलू का बैल बना बैठा है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। पूजा का हाथ खाना खाते खाते रुक जाता। ऐसा नहीं था कि अंकित को यह सब दिख नहीं रहा था। एक दो बार सुधा जी को उसने समझाने की कोशिश भी की थी, पर सुधा जी ने उसे ही चुप करा दिया। पर उस दिन बात कुछ भी नहीं थी। एक आम के अचार की इतनी औकात नहीं होती जितनी उस दिन पूजा को दिखाई गई थी। दरअसल उस दिन रविवार था, घर में सभी सदस्य मौजूद थे। इस कारण सुधा जी ने पूजा को मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राइड राइस, गुलाब जामुन और पूरी बनाने को कहा था। पूनम तो वैसे भी कोई काम नहीं करती थी। पूजा ने अकेली ही रसोई में सारा खाना तैयार किया। खाना तैयार करके वो गर्मा गर्म पूरी तल रही थी और साथ ही सबको खाना परोसती जा रही थी। सब लोगों ने खाना खाया, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि पूजा के लिए सब्जी बची है कि नहीं। पूजा खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि सब्जी और दाल के बर्तन खाली थे। अब वो खाना कैसे खाती। तभी उसे याद आया पूनम भाभी के मायके से एक दिन पहले ही आम का अचार आया है, तो रसोई में से अपने लिए थोड़ा सा आम का अचार निकाल कर ले आई और उसी के साथ पूरी खाने। उसे खाना खाते देख कर पूनम ने चिल्लाना शुरू कर दिया, किससे पूछ कर तुमने आम का अचार निकाला, ये मेरे मायके वालों ने मेरे लिए भेजा है। इतने ही आम के अचार का शौक है तो अपने मायके वालों को बोलो। पूनम की बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, भाभी सब्जी खत्म हो गई थी इसीलिए मैंने अचार निकाला, मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। भाभी बोली, तो तेरे खाने की जिम्मेदारी हमारी है क्या, घर में रखा रखा है, तुम्हारे खर्च उठा रहे हैं तो तुम लोग तो सिर पर चढ़कर नाचने लगे हो। पूनम अभी भी चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर घर में से बाकी सदस्य भी निकल कर बाहर आ गए। सुधा जी ने भी पूनम का पक्ष लेते हुए कहा, छोटी बहू,
शर्म नहीं आती तुझे? अरे ये काम के अचार की क्या औकात होती है जो तूने उसकी चोरी की। पता नहीं घर में से क्या क्या चुराती होगी। बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने, पूजा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। पूजा की चिल्लाने की आवाज से कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर पूनम गरजते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर चिल्ला रही है? हमारा खाती है और हमें ही सुना रही है। कहते हुए पूनम थप्पड़ मारने के लिए पूजा की तरफ बढ़ी तो उसने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। हाथ इतनी जोर से मोड़ा कि पूनम की चीख निकल गई। यह देखकर सुधा जी चिल्लाई, अंकित तेरी पत्नी को धक्के देकर बाहर निकाल, अब यह इस घर में रहने लायक नहीं है। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अंकित का इतना कहते ही पूनम और सुधा जी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराई। पूजा अंकित की तरफ देखने लगी। अंकित अंदर कमरे में गया, अपना और पूजा का सामान पैक कर कुछ देर बाद बाहर आया। पूजा का हाथ पकड़ते हुए घर से बाहर निकलने लगा। इतने में सुधा जी बोली, अरे तू कहाँ जा रहा है? बस माँ, और कितना बर्दाश्त करवाओगे? पता है इस घर में किसी को पूजा की रोटी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं कम कमा रहा हूँ, वो बुरा लग रहा था। अगर आज मेरी कमाई भी अच्छी होती तो मेरी पत्नी को इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। सारा काम वो करती है, पर ताने भी उसी के हिस्से में आते हैं। इसीलिए अब आप भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहता हुआ अंकित घर से निकल गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। उनकी वहां गृहस्थी बसाने में पूजा के माता पिता ने पूरा योगदान दिया। कुछ दिनों बाद पूजा डाई का काम शुरू किया। तब कपड़ों को रंगने का काम एक कमरे से शुरू होकर कप फैक्ट्री में तब्दील हो गया, दोनों को ही पता नहीं चला, पर दोनों की मेहनत आज नजर आ रही थी। इतने में बाहर कार आकर रुकी, उसमें से पूजा निकल कर बाहर आई। साथ में उसके मम्मी पापा भी थे। उन्हें देखकर अंकित मुस्कुरा दिया और खुद आगे बढ़कर उन लोगों को अंदर लाने के लिए उनके पास चला गया। हमेशा शिफॉन की हल्की सी साड़ी पहनने वाली पूजा आज भारी चुनरी की साड़ी पहनकर आई थी। गहनों के नाम पर गले में बस एक हल्का सा मंगलसूत्र और कानों में छोटी बालियां थी। हाथों में लाख की चूड़ियां पहने हुई थी, पर फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। पूजा को इस तरह देखकर और अंकित को उसके माता पिता का इस तरह सम्मान करते देखकर पूनम सुधा जी के पास आकर बोली, देखा माँ जी, आपने अपने माता पिता को तो अपने साथ लेकर आई है और आपको भेज दिया रिश्तेदारों के साथ, यही सम्मान है आपका। उसकी बात सुनकर सुधा जी बोली, हाँ देख रही हूँ बहू, पर अब इतने लोगों के बीच में क्या बोलूं, कितना ही सम्मान कर लो, रहेगा तो मेरा स्थान ही ऊंचा, आखिर उसके ससुराल वाले हैं। अंकित और पूजा हवन में बैठ गए और महज आधे घंटे में पूजा संपन्न हो गई। हवन पूजन के बाद भोजन की व्यवस्था वहीं की गई थी। सभी रिश्तेदारों ने भोजन का भी लुत्फ उठाया। खुद अंकित और पूजा ने उसके माता पिता को बिठा कर अपने हाथों से खाना परोसा, उन्हें खिला पिला कर उन्हें अपने एक दोस्त के साथ उसकी कार से घर पर रवाना कर दिया। पर जाने से पहले पूजा की माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी और उसके पिता के लिए शॉल जरूर गिफ्ट की। यह सब देख कर तो सुधा जी और ज्यादा जल भुन गई। कई रिश्तेदार तो वहां से चलते बने। अब फैक्ट्री में रह गए अंकित, पूजा, सुधा जी, पूनम और मोहन। पूनम ने मौका देख कर ताना मारा, लो भाई देवरानी तो बनी महारानी। अपने माता पिता को ही पूछ रही थी, सास को तो पूछना ही भूल गई। सच कहा है किसी ने, खुद के माता पिता के लिए ही जी दिखता है, सास ससुर को तो कौन पूछे। इतने में सुधा जी ने भी कहा, बेटी के घर से कौन माता पिता गिफ्ट लेकर जाता है, इतना भी नहीं पता तेरे माता पिता को? मेरे बेटे का फालतू का खर्चा करवा दिया, अपने माता पिता को देने के लिए तेरे पास सब कुछ है, यहाँ तेरी सास जेठानी खड़ी, उन्हें तो अभी तक तूने कुछ भी नहीं दिया। ये सुनकर पूजा मुस्कुराई और एक बैग लेकर आई, उसमें से एक साड़ी निकाल कर सुधा जी को दी और एक साड़ी निकाल कर पूनम को पकड़ाते हुए बोली, ये रहा आप लोगों का गिफ्ट। साड़ी को उलट पलट कर देखने के बाद पूनम बोली, बस एक साड़ी, अपनी माँ के बराबर ही हमको दे रही है। अरे हम तेरे ससुराल वाले हैं, हमारे लिए इससे ज्यादा बनता है। जी बिल्कुल, आपके लिए इससे ज्यादा ही बनता है, मैं तो भूल ही गई थी, रुकिए जरा।
कहकर पूजा अंदर गई और ऑफिस में से एक बड़ा सा बॉक्स निकाल कर लेकर आई। यह आपके लिए जेठानी जी, ये आप रखिए। पूजा ने पूनम को बॉक्स पकड़ाया। वो काफी वजनदार था, उसे रहा नहीं गया तो उसने उसी समय उस बॉक्स को खोला। उसमें से एक मर्तबान रखा हुआ था। उसे निकाल कर देखा तो उसमें आम का अचार रखा था। पूनम और सुधा जी हैरानी से पूजा और अंकित की तरफ देख रही थी। तब अंकित ने कहा, माँ हैरानी से क्या देख रही हो, यह तो वही आम का अचार है ना जिसने हमें हमारी औकात बताई थी। यह आपके लिए हमसे ज्यादा कीमती था, इसीलिए इससे महंगी चीज तो और क्या हो सकती थी। आखिर इसी के लिए तो आपने पूजा को चोर साबित किया था, तो आपकी यही लौटा रही है, कहते हुए अंकित ने हाथ जोड़ दिए। सुधा जी कुछ ना कह पाई और पूनम और मोहन के साथ अपना समूह लेकर वहां से रवाना हो गई। तो दोस्तों, आप लोग कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक।